ये केस स्टडी है जिसके अंदर हम दिखाना चाहते हैं कि हमारा स्प्रिंग जो हमारे हैंडल फ्लश हैंडल के साथ है ये ऑटोमेटिक ये बिल्कुल सही चल रहा है। अगर ये देखते हो आप तो ये इसको 1000 और 25000 साइकल्स भी टेस्टेड है ये, तो ये बिल्कुल सही है, बल्कि ये भी साइड से एक आया हुआ है। अब इसको निकालने का प्रोसीजर भी काफ़ी लेंदी है, ये इसको यहाँ से निकालना होगा, ऐसे आप निकालना चाहोगे तो ये निकलेगा नहीं, ये पर्टिकुलरली स्लॉट में ये है अटैच्ड है, ये ऐसे भी निकलेगा नहीं, इसके लिए स्पेशली कोई टूल यूज़ करना पड़ेगा। ये अगर चेक करते हो तो ये प्रिसाइजली इसको इतना मुश्किल है इसको निकालना, ये यहाँ से ऐसे निकलेगा है। अब ये इसमें इस तरह से जाएगा, ये यहाँ पे नॉब है और यहाँ पे ग्रू है। अब ये भी सेकंड दूसरे हैंडल में मैं चेक दिखा रहा हूँ आपको, जितना भी आप फोर्स दो ये ऐसे निकलेगा नहीं इसमें से, अनलेस एंड अंटिल वो डेलिब्रेटली या किसी ने उसको पॉप आउट किया है तब जाके निकला है। तो इसको हो सके तो इसको और थोड़ा सा अंदर डाल दीजिए आप, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, और बाहर भी आता है तब भी ये निकलेगा नहीं, छटेगा नहीं। ओके, ये स्प्रिंग्स तो हमारे पास ऐसे सेपरेटली मिलेंगे नहीं आपको, ये आप मार्केट से चेक कर लेना, ये आपको मिल जाएंगे मार्केट में स्पेसिफिकेशन के और एक्सटेंशन के स्प्रिंग्स, उसको लगा के चेक करना या फिर वो हैंडल रिप्लेस करना पड़ेगा। थैंक यू।